नमस्कार एवं पुनः स्वागत है आप सभी का बिहार में 24 समय पढ़ाई यूनिवर्सिटी अपने सहयोग एनवायरनमेंट के साथ। अभी गढ़हानी प्रखंड के अंतर्गत बहरी जो कि ग्राम पंचायत हरपुर पंचायत से बिलोंग करता है, यहाँ हमारे समक्ष में हमारे कर्मचारी महोदय जो कि विजय कुमार पंडित जी हैं। तो पंडित जी से बात करते हैं, पता करते हैं कि घटना कब का है, दुर्घटना कब हुआ, अभी पोस्टमार्टम होने के बाद क्या प्रोसेस है। गरीब परिवार के नुकसान की भरपाई तो नहीं किया सकता है, लेकिन फिर भी भरपाई करने की कोशिश किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल का। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? 4 बजे के लगभग डूबा बच्चा जी, तो घर का परिवार का सब एड्रेस ले लिए जी, और इसका मुआवजा जो है जाति आवासीय बनाने के लिए सब बन जाएगा, मैंने वो बोल दिया है ना। और हमारे चैनल के माध्यम से ये बताइए कि आप लोग अपने ब्लॉक में बहुत कम दिखते हैं, ऐसा क्यों? अभी आधार सीडिंग के चलते गांव में रहते हैं। आधार सीडिंग तो ठीक है, आधार सीडिंग के अलावा और भी कहीं जगह पर रहते हैं ना? अभी तो ब्लॉक में से यहाँ पर। एक और सूचना कर ही दिया जाए, खुलासा कर दिया जाए हमारे चैनल के माध्यम से कि कर्मचारी लोग भी दलाल लेकर रख रहे हैं का? ना वैसा बात नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के। अभी हमारे साथ मंडल जी जुड़े हैं जो कि गांव के बुजुर्ग इंसान के साथ साथ अच्छे व्यक्ति हैं। व्यक्ति विशेष तो बाद में करेंगे, अभी चर्चा विशेष में यह है कि घटना हो गया सर, क्या कहना चाहेंगे? इसमें कहना चाहेंगे सर कि बहुत दुखद स्थिति में उनके परिवार लोग हैं, हम लोग भी मरमाहत हैं जी जी। तो एक लौता ये सूचना प्रमुख प्रतिनिधि को दिया गया? प्रमुख प्रतिनिधि को तो हमने भेज दिया है अपने माध्यम से। आप भी प्रमुख प्रतिनिधि हैं? हाँ, प्रमुख साहब का है। हाँ, हम सहायक में रहते हैं और हमने वहाँ भेज दिया है उनको खबर। निवेदन है सर का, इन परिवार को भाई जल्द से जल्द मुआवजा मिला जाए। कितने लाख मिलना चाहिए? 4 लाख जो मिला है मिलता है वही 4 लाख मिले। एक बार पुनः स्वागत आप सभी का। सरकार का पूर्णतः एकदम संपूर्ण सहयोग रहता है, लेकिन हमारे ब्लॉक का सहयोग नहीं। दुर्भाग्य है कि भोजपुर के प्रखंड के गढ़हानी से ही बिलोंग करते हैं, ये शर्म की बात नहीं, बहुत अच्छी बात है कि मंडल जी जैसे अच्छे व्यक्ति रहते हैं और हमारे प्रमुख साहब के व्यक्ति विशेष की क्या चर्चा करें, बहुत महान आदमी हैं। और हमारे साथ अभी अरुण जी हैं सर, दो शब्द कहना चाहेंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए कि ये घटना आपको सूचना कौन दिया? कल छठ ही जुतिया के अवसर पर नहाने के लिए गया था लोग पोखरा में, बाल सूर्य मंदिर के सामने, वहाँ पर सभी लोग स्नान कर रहा था, अपना अर्घ भी दे रहा था, उसी क्रम में बच्चा डूब गया। कुछ देर नहीं मिलने के बाद उसको खोजा गया तो उसका मृत तुरंत मिला, बाद में उसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम क्या जो प्रोसेस हुआ वो पूरा हो गया? सब पूरा हो गया। एक और चीज बताया जाए, जो घटना जिसके साथ हुआ है उसका नाम? विनय पासवान के लड़का है, उनका पवन पासवान नाम है। पवन राम नाम है, विनय राम के लड़के हैं, पवन राम नाम है। और वो पता चला कि केवल और केवल एक ही लड़का था, तीन परिवार के बीच में एक लड़का था और बहुत माने होनहार था। देखिए समय का ही प्रकोप कहा जाएगा, माँ सरस्वती की कृपा और भगवती की कृपा सब पर बनी रहे। कभी कभी घटना दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकता है, संभल कर चला करें। और ये घटना जिस दिन हुआ जीवित पुत्री का पर्व था, वो पर्व को भगवान ने निष्फल कर दिया। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कहने पर मजबूर हूँ, भगवान होते नहीं है, हम लोग के एक भ्रम है। भगवान पर चर्चा हम लोग बाद में करते रहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरफ बने रहो, देखते रहें। जय हिंद जय भारत।